जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने किया तहसील मनकोट की अपर मनकोट पंचायत का दौरा। इस दौरे के दौरान उनके हमरा तहसीलदार मनकोट, महकमा जंगलात, महकमा जल शक्ति, पीडीडी व पुलिस के इंचार्ज मनकोट भी रहे शामिल। इस दौरे का मकसद था इलाके में जाकर लोगों के मसाइल सुनना और उनका अजाला करना। तहसील मनकोट के अपर पंचायत मनकोट के लोगों की दरीना मांग थी कि यहाँ बॉर्डर इलाके में रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एसडीएम मेंढर ने तमाम महकमा जात के साथ इस इलाके का दौरा किया और दौरे के दौरान लोगों ने उन्हें तफसील से बताया कि किन किन मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ता है। एसडीएम मेंढर ने लोगों के तमाम मसाइल सुनने के बाद उन्हें यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द उनके इन तमाम मामलात पर आला हकाम से बात करके इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट के जेरे निगरान जो जमीन आ रही है उसे एफआरसी के तहत इस सड़क का काम भी है जो लगवाया जाएगा ताकि इलाके के लोगों को बेहतर सहूलियात मैसर हो सके। इस दौरे के बाद एसडीएम मेंढर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज हमने ये विलेज रसियार का दौरा किया है जिसमें मेरे हमरा तहसीलदार मनकोट, चौकी अफसर बॉर्डर पुलिस पोस्ट मनकोट और हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान और यहाँ के पीआरआई सरपंच साहब भी हमारे साथ थे। क्योंकि ये दो चार दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने डायरेक्शन दी थी कि इस विलेज का दौरा किया जाए और उसकी जो बेसिक सहूलियात लोगों को मैसर होने चाहिए थी उनका जायज़ा लिया जाए। तो इसी उन्हीं डी सी साहब के डायरेक्शन पे आज हमने इस विलेज का दौरा किया और पाया कि इस विलेज में रोड कनेक्टिविटी जो वो नहीं है, उसके बाद पानी का भी कोई मैसर ज़रिया नहीं है। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी यहाँ पे थोड़ी कठिन है। तो लोगों की डिमांड सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो लोग कह रहे हैं यहाँ पे हमें रोड की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक साथ में विलेज चोई है, वहाँ से लगभग कोई 3 किलोमीटर या 3 या 3.5 किलोमीटर का एरिया जो एक आता है, वहाँ फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ से इन लोग एक लिंक रोड चाहते हैं उस गांव में, क्योंकि और कोई एरिया से रोड नहीं जाती वहाँ पे। तो इस ज़िमन में हमने अपने सरपंच साहिब को भी और जो कंसर्न ऑफिसरान हैं, ऑफिशल्स हैं, उनको भी ये चीज़ बता दी गई है कि अपनी फाइल तैयार करें FRC में और FRC कमेटी के सामने रखें, क्योंकि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में ही इनको ये फाइल क्लियर करके तो ये लिंक रोड दी जा सकती है। तो यही हमारी कोशिश रही कि जो इनकी बेसिक ज़िंदगी की सहूलियात हैं उनको मैसर की जा सके।